सिरोही जहां बीते 24 घंटों में आबू रोड में 12 mm बारिश दर्ज की गई है। माउंट आबू के पिंडवाड़ा में 10-10 mm बारिश दर्ज की गई है। वहीं देलदर में 3 mm और रेवदर में 1 mm बारिश दर्ज की गई है। वहीं जिलों में अभी भी 23 बांधों पर चादर चल रही है। सुखली सेलवाड़ा बांध के 2 गेटों से पानी छोड़ा जा रहा है। आपको बता दें बीते 24 घंटों में आबू रोड में 12 mm बारिश दर्ज की गई है। माउंट आबू में देलदर में 3, रेवदर में 1 mm बारिश और कई बांधों में जो चादर चल रही है, जिसके चलते सुखली सेलवाड़ा बांध के 2 गेटों को खोल दिया गया है, वहां से पानी छोड़ा जा रहा है। बड़ी खबर, जहां 24 घंटों से हो रही बारिश, लगातार बारिश के चलते 12 mm बारिश दर्ज की गई है। देलदर में 3 mm, रेवदर में 1 और माउंट आबू और पिंडवाड़ा में 10-10 mm बारिश दर्ज हुई है। जिले में अभी भी 23 बांधों पर चादर चल रही है। वहीं सुखली सेलवाड़ा बांध के 2 गेटों से पानी छोड़ा जा रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते जलस्तर बढ़ रहा है और अब सुखली सेलवाड़ा बांध के 2 गेटों से पानी छोड़ा जा रहा है। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी विक्रम सिंह लाइव जुड़ चुके हैं सिरोही से हमारे साथ में। सिरोही, क्या है मौसम का मिजाज और किस तरह से बांधों में जो है पानी की आवक जारी है? जी बिल्कुल, चल शाली ने बताना चाहूंगा, सिरोही जिले के अंदर मानसून है वो पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। और अभी मैं सिरोही जिला मुख्यालय का जो सबसे बड़ा बांध है कालकाजी बांध, उस कालकाजी बांध पे खड़ा हूँ जिसको अकेला बांध भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो सिरोही के अगर मौसम की बात करूँ तो कैमरामैन को कहूंगा एक बार मौसम की तरफ बताए, आकाश आसमान की तरफ बताए। ये जो पूरा मौसम है, मौसम अभी भी जो है मानसून सक्रिय नजर आ रहा है। यहाँ पे बरसात की जो तैयारी है वो लगभग यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी कभी भी बारिश आ सकती है यहाँ पे। और बांध की अगर मैं बात करूँ तो इस बांध को देखिए, बांध पूरा भर गया है, लबालब भर गया है और बांध का जो ओवरफ्लो है वो लगातार जारी है और बांध से लगातार पानी बहता जा रहा है। इसी प्रकार से अगर बात करूं तो पूरे सिरोही जिले में करीब 23 से ज्यादा जो बांध है वो ओवरफ्लो चल रहे हैं। सुखली सेलवाड़ा जो बांध है सिरोही जिले का सबसे दूसरा बड़ा बांध है, वहां से 2 गेट है उनके खोल रखे हैं और लगातार 4 दिन से उस बांध से लगातार पानी है वो बाहर निकाला जा रहा है। 5.50 मीटर की जो उसकी भराव क्षमता है उसमें 5.30 तक उसका गेट पहुंच गया है और लगातार पानी को बहाया जा रहा है ताकि उस बांध को, बांध के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं हो। और अभी मैं अगर इस कालकाजी बांध की बात करूं तो कालकाजी बांध की जो हालात है वो भी मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे जो कालकाजी बांध से लगातार जो पानी है वो ओवरफ्लो होते जा रहा है। यहाँ पे कैमरामैन को कहूंगा पूरे लैंड को दिखाए, यहाँ से जो है पानी लगातार बहता जा रहा है। ये कालकाजी का ओवरफ्लो है, ओवरफ्लो से लगातार पानी बहता जा रहा है और जो पानी है बरसात के मौसम को देखते हुए यहाँ पे लगातार प्रशासन की तरफ से भी चेतावनी जाहिर की गई है। ये जो कालकाजी का जो ये ओवरफ्लो का जो पुल है ये थोड़ा टूटा हुआ है, क्षतिग्रस्त है, इसलिए यहाँ पे चेतावनी भी दी गई है कि ओवरफ्लो का पानी बांध है, पुल है वो टूटा हुआ है तो बच्चों को इससे दूर रखें। और इस प्रकार से जो है कालकाजी ये मानसरोवर बांध है और इसके साथ ही यहाँ पे गोताखोरों की जो सूची लगी हुई है कि इस प्रकार से कोई अगर घटना भी घट जाए तो यहाँ पे गोताखोरों से संपर्क करने के भी यहाँ पे नंबर दिए गए। विक्रम, वाकई बहुत खूबसूरत नजारा दिख रहा है, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार हो रही बारिश और जब लोग यहाँ आते हैं तो थोड़ा सा सचेत होने की आवश्यकता है। प्रशासन ने किस तरह से तैयारी कर सकी है, किस तरह से जागरूक किया जा रहा है और वार्निंग दी जा रही है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा जो ये बारिश का मौसम है, लगातार बारिश के मौसम से सिरोही जिले में आपने देखा होगा पिछले अगर 10-15 दिन की बात करें तो कई जो व्यक्तियों के बांध में डूबने की या तालाब में डूबने की जो घटना हुई है इसको लेकर प्रशासन है वो पूरी तरह से सजग नजर आ रहा है। हर बांध के ऊपर चेतावनी बोर्ड लगा दिए गए हैं, उसके साथ ही जो एसडीआरएफ की टीम और जो स्थानीय गोताखोरों की टीम है वो भी यहाँ पे सिरोही जिले में तैनात की गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अगर अनहोनी होती है, किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो उसको लेकर के है जो वहाँ पे तुरंत मौके पर रात कैंप शुरू किया जाए, वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो भी शुरू किया जाए और प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से लोगों को सावधान किया जा रहा है कि आप इसके ऊपर अपनी नजर बनाए रखें और हमें अपडेट देते रहें कि क्या है वहाँ पर मौसम की स्थिति और किस तरह से बांधों का जो पानी है वो छोड़ा जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम।